शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही दे। आप सभी को सुंदर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आ गया पूर्णिमा की रात्रि, बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाते। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए तो सब छूट सकता। पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है, वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए, फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित होता है। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच एक थाली में इकट्ठी करी जाती है, काजल कालोच को इकट्ठी कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए, उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। आज पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पे लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना, उसके सम्मुख में आप 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला देना। महाराज एक एक कमलगट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना, जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे 10 बजे 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी है, पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको 31। घी के दिए लगाना है, लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंकु चावल हल्दी मौली से सब तरह से,
पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। दूसरा क्रम, पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, 1 कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ाएं, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। भी पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती हैं तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उछाल ला सकती है। पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी पार्वती के यहाँ जब पहुंची। माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई, क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखिए माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर दिया, अपूर्ण कर दिया। हाँ तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूँ। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया, ले लक्ष्मी आज से तू पूर्ण हो गई। आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करती है, करते हो ना आप लोग? रखिए। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी।